नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ खुशहाल होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर आज हम बात करेंगे हिंदी के एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी आप शिक्षक भर्ती संबंधित या कोई वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न बनते हैं। डियर तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक बिल्कुल लगन जो उत्साह से देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डियर तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या संधि। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जिससे बोध होता है उसे हम संज्ञा कह देते हैं। डियर नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रंग शब्द किस क्रिया से बनती है, रंग वाला से, रंगना से, रंगीला से या रंगरेज से। तो जो रंग शब्द है डियर ये बनेगा रंगना क्रिया से, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, आलसी, आलस, आलसीपन या आलस। तो जो आलस्य शब्द का विशेषण है डियर वो आलस बनेगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आलस से ही आलस्य बना है, आलस्य से ही आलसीपन भी बन सकता है डियर, लेकिन यहाँ विशेषण पूछा है कि शब्द का विशेषण, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आलस होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, लिखना, हंसना, सोना या रोना। तो जिसमें कर्म मौजूद होता है वो सकर्मक होता है और जिसमें कर्म नहीं मौजूद होता वो अकर्मक होता है। तो लिखना क्या है, ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि कोई चीज जब आप लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कर्म मौजूद है उसमें डियर। लेकिन हंसने में कोई कर्म नहीं, सोने में कोई कर्म नहीं, रोने में कोई कर्म नहीं, ये अकर्मक धातु के उदाहरण है, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण। तो जिसके विषय में कुछ विधान कर देते हैं डियर वो किसके माध्यम से करते हैं, हम क्रिया के माध्यम से करते हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सीता भोजन बना रही, बिल्कुल कर्म है इसमें, भोजन क्या है, कर्म है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, बिल्कुल सही है, टैगोर जी ने गीतांजलि की रचना की थी 1913 में, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी इस कृति के लिए मिला था। श्याम रोता है, रोना क्या है डियर, ये अकर्मक क्रिया है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इस ऑप्शन का, क्योंकि पूछ रहा है सकर्मक नहीं है तो श्याम जो रो रहा है ये अकर्मक क्रिया है डियर, सी ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वो बहुत थक गया, वो अभी अभी गया, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो परिमाणवाचक यानी कि वो अभी अभी गया है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भय या भीरु। तो डियर व्याकरण की दृष्टि से जो भीरु शब्द है ये विशेषण नहीं है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हम खुद ही इधर आ गए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम कॉलेज कब आओगे, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वो आगे जा रहा है। तो अनिश्चयवाचक, तुम कॉलेज कब आओगे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन है, क्या नीला छोटा विशेष से है या बड़ा छोटा या छोटा नीला या घर, आदमी और वस्त्र जो है विशेष से हैं। तो विशेष से उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए, और यहाँ पर जो विशेष से हैं वो घर, आदमी और वस्त्र हैं डियर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है, वो धीरे से बोलता है, वो काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है और वो धीरे से बोलता है, यानी बोलता कैसे है, वो धीरे से बोलता है, बोलने की विशेषता बता रहा है, धीरा, इसलिए तो धीरे से बोलता है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा, नाटककार, नाट, नाटकीयता या नाटकीय।
तो नाटक से जो विशेषता बनेगा डियर वो बन जाएगा नाटकीय। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। समय से कौन सा विशेषण बनेगा, सामयिक, साम्य, समय या दुसमय। तो समय से जो विशेषण बनेगा वो सामयिक बनेगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा शब्द विशेषण है, होली, बहन, व्यक्ति या काला। तो विशेषण इसमें काला है, जैसे क्या गाय क्या है, काली है, मेरी गाय काली है, घोड़ा काला है, भैंस काली है, वो आदमी काला है, तो ये क्या है, ये विशेषण ही तो है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, अव्यय, भाव, वाचक, क्रिया या विशेषण। तो प्रेम से क्या प्रकट होता है, भाव, और बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रेम जो है एक भाववाचक संज्ञा है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, श्याम भात खाता है, कर्म कर रहा है डियर, मैंने उसे पुस्तक दी, बिल्कुल सही है, ज्योति रोती है, ये रोना धोना जिसमें आ जाए डियर, तो आप जान जाइए कि ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मैं अपने आप जो है अपने आप जो है अपने सारे कपड़े या वस्त्र जो है साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधकारक या निजवाचक। तो मैं कपड़े कैसे साफ करता हूँ, अपने आप, जहाँ खुद की बात आ जाए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मीरा जोर से हंसी वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, प्रेरणार्थक, सकर्मक, द्विकर्मक या अकर्मक। तो मीरा क्या कर रही है, हंस रही है, और हंसना रोना ये किसमें आते हैं, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ वह क्या है, वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि किसका बोध करा रहा है, वह संबंधवाचक का उदाहरण है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमानित, अनुमति, अनुमानक या अनुमिति। तो अनुमान का जो विशेषण बनेगा डियर वो अनुमानित बनेगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यकीन मानिए कि आपका जो विशेषण विशेष से प्रश्न आएंगे पूरे शिद्दत से इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिएगा, विशेषण से कोई भी प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि 30 से 40 प्रश्न केवल विशेषण टॉपिक से ही लिए गए हैं डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी क्रिया है। तो जहां दूसरे से काम लिया जाता है, मैंने मोहन से साइकिल चलवाई, मैंने सीता से भोजन बनवाया, जहां दूसरे से कार्य लिया जाता है डियर वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए, बैठा लीजिए कि जहां दूसरे से के द्वारा कोई काम करवाया जाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है डियर। तो यहाँ जो अकर्मक क्रिया है, यहाँ रुलाना में नमा दी है, क्योंकि यहाँ राम भी लगा है, राम मोहन को रुला रहा है, यानी राम जो है कर्म करवा रहा है, तो ये सही है डियर। डी सी श्याम निबंध लिखता है बिल्कुल सही है, मैं गेहूं पिसवाता हूं ये भी सही है, यहाँ जो अकर्मक होगा वो होगा पानी बरस रहा है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो कोई आ रहा है यानी कि कोई पर्टिकुलर बोध नहीं है इसमें, क्लियर नहीं कि कौन आ रहा है, जब कोई होगा बोध हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम मार दीजिएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गरीबों की सहायता करो, गरीबों शब्द क्या है। तो गरीब जो है क्या है, ये एक जाति का उदाहरण है, गरीब जाति, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया, विशेषण क्या होगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण या सर्वनाम। तो जहां पर नाप तोल की बात आ जाए वहां परिमाणवाचक होता है डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहां दूध कितना है, आधा लीटर है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संकेत वाचक, सर्वनाम, संबंध वाचक या गुणवाचक? तो सो क्या कर रहा है? यह संकेत कर रहा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, जैसे करनी वैसी भरनी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, मित्रता, लड़का या पेड़? तो भाववाचक जो है डियर वो मित्रता होती है। मित्रता, शत्रुता, ये सब भाव को प्रदर्शित करते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता अगर बताई जा रही है तो हम उसे विशेष से कहते हैं डियर। अगर क्रिया की विशेषता बताता तो क्रिया विशेषण होता है। अगर किसी विशेषण की ही विशेषता बताई जाए, मतलब विशेष की विशेषता बताई जाए, तो वहां प्रिय विशेषण होता है। इसलिए जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाण, संख्या या गुण? तो प्राचीन शब्द जो है ये गुणवाचक में आता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। अभ्यास का विशेषण रूप होगा अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या आभासित। तो अभ्यास का जो विशेषण होगा वो अभ्यासिक बनेगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। भौम का विशेष्य रूप क्या होगा? भूमि, भूमित्व, भौमिक या भूमिक? तो जो भौम का विशेष्य रूप होगा डियर वो भूमि होगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भौम का विशेष रूप जो भूमि होता है डियर, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? यानी कि पूछ रहा है बुढ़ापे में कैसी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो बुढ़ापा डियर एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है, भाववाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जैसे मान लीजिए आप पेपर देने से पहले नहीं मेहनत किए, उसके बाद जब आप पेपर में देखने गए, पेपर दिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको गलत साबित हो गए क्योंकि आपने उनको सही नज़र से देखा नहीं था डियर। तो वही पूछ रहा है, कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रणार्थक क्रिया, संयुक्तार्थक, द्विकर्मक या पूर्वकालिक क्रिया? तो अब पढ़कर क्या होगा, इसमें जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? मांडवी, घरेलू, भला या स्वतंत्र? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें जो है डियर वो मांडवी है। मांडवी कौन है? तो मांडवी जो है ये भगवान भरत की, महाराजा भरत की पत्नी का नाम था मांडवी, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? लड़ाई, मिठाई, चतुराई या उतराई? तो भाववाचक संज्ञा मिठाई नहीं है, क्योंकि जो भाव होता है वो मिठास से बनता है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? तो व्यक्तिवाचक, गाय से व्यक्ति का बोध नहीं होगा ये, तो गाय अगर आप कहेंगे तो पूरी जाति का बोध होता है। पहाड़ से भी जाति है, अगर माउंट एवरेस्ट आता तो व्यक्ति का बोध हो जाता डियर, लेकिन पहाड़ में बहुत पहाड़ हैं। आम में आपको ही पता है हजारों आम हैं। यमुना व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यमुना नदी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसलिए इसको जो सही ऑप्शन होगा सी एकदम करेक्ट होगा। यमुना जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी डियर, तो नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संस्कृत का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक, संस्कृत या सांस्कृतिक या संस्कृत? तो जो संस्कृति का विशेषण बनेगा डियर वो सांस्कृतिक बनेगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पर आप जितने भी लोग पहली बार आए हैं लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन ऑन करें। उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में 2-3 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को 1-2-3 बार आप देखकर एक एक प्रश्नों को शिद्दत से समझ लीजिएगा। थोड़ा प्रैक्टिस सेट टफ जरूर है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा डियर। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।